नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, नए साल के पहले दिन एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन है बैंकिंग गुरुजी पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का दिन अच्छा बीत रहा होगा और आगे भी अच्छा ही बीतेगा। तो चलो, इस उम्मीद के साथ कि इस साल सब कुछ अच्छा होगा और फाइनल सिलेक्शन भी होगी, तो बढ़ते हैं हम आज के पजल की ओर। काफ़ी हाई लेवल की पजल है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसे एक बार देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप सॉल्व कर भी लेते हो तो भी आप आगे एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि इस पजल को सॉल्व करने की सही अप्रोच क्या होनी चाहिए थी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, 8 पर्सन्स GHIJKLMNN आर सिटिंग इन अ रो बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ एंड रिमेनिंग आर फेसिंग नॉर्थ। नो 2 पर्सन्स आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर फेस टुवर्ड्स साउथ। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमारे पास एक रो है, लीनियर रो, जिसमें कि 8 पर्सन बैठे गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लीनियर रो ड्रॉ कर देते हैं, दो पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं, 8 लोगों की पोजिशन कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पर 8। ठीक है, इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 लोगों की हमने दोनों ही रो में पोजिशन कर दी है। अब देखो, साथ ही साथ हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि दो इमीडिएट पर्सन साउथ फेस नहीं करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं कि इमीडिएट वाले पर्सन जो हैं वो साउथ डायरेक्शन में फेस नहीं करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया। देखो, सिर्फ साउथ के बारे में बात की गई है, नॉर्थ के बारे में बात नहीं की गई है। मतलब दो लगातार बंदे नॉर्थ फेस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन साउथ फेस नहीं करेंगे लगातार वाले। चलिए, अब आगे कंडीशन दी गई है, हम कंडीशन पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कंडीशन में बोला गया है, जे सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम एच एंड दे बोथ फेस डिफरेंट डायरेक्शन। अब देखो, जे एच से 2 प्लेस अवे है, मतलब यहाँ पर हम कितने का गैप लेंगे, हम यहाँ पर 1 का गैप लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एच से बात की गई है, मतलब फ्रॉम एच बोला गया है। अब देखो, बहुत सारे लोगों को इस तरह के कंडीशन में दिक्कत हो जाती है कि हम 1 का गैप लेंगे या 2 का गैप लेंगे। तो देखो, इस तरह के कंडीशन पर मैंने एक पूरी की पूरी 35 मिनट की वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और इस तरह के कंडीशन में आप कभी भी कन्फ्यूज नहीं होगे। और उस वीडियो की लिंक मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, साथ ही साथ मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा, तो आप कमेंट पिंड कमेंट पर जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में तो उसकी लिंक आ ही जाएगी, आप क्लिक करके देख लेना। ठीक है, चलो, हमें यहाँ पर कितने का गैप लेना है, हमें यहाँ पर 1 का गैप लेना है एच और जे के बीच में। अब लेफ्ट या राइट वो बात नहीं बोली गई है, तो नोट डाउन करते हैं कि एच और जे के बीच में 1 का गैप होगा और दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शन में फेस करेंगे। तो DIFF लिख दिया हम लोगों ने, समझ जाएंगे डिफरेंट डायरेक्शन की बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया है, M sits second to the right of G। M हमारा G के राइट में सेकेंड गया है, तो G के राइट में सेकेंड हमारा M होगा। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ M इज 1 less than द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ K। मतलब K के राइट में जितने भी पर्सन होंगे उसमें हम -1 करेंगे, तो हमारा M के राइट में जितने पर्सन हैं वो आ जाएगा। मतलब K के राइट में जितने पर्सन हैं उसमें 1 का माइनस कर देना है, तो उतने ही लोग M के राइट में होंगे। ठीक है, ये कंडीशन हमारी इस तरीके से नोट डाउन हो गई है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, K सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ H हु फेसेज द सेम डायरेक्शन एच आई। देखो, K हमारा H के इमीडिएट राइट में गया है, नोट डाउन करते हैं, H के इमीडिएट राइट में हमारा K होगा। चलिए, और H के बात की गई है कि H I के डायरेक्शन में ही फेस करेगा, मतलब H और I सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे, तो सेम यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, I sits to the immediate left of N and one of them sit at the end। यानी कि I हमारा N के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा, तो N के इमीडिएट लेफ्ट में हमारा आई बैठेगा और इनमें से कोई हमारा एंड पर होगा। तो देखो, वन ऑफ देम एंड, वन ऑफ देम एंड कर देते हैं, समझ जाएंगे कोई एक ही हमारा एंड पर होगा, एन के इमीडिएट लेफ्ट में आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, जी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एन हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एल। अब यहाँ पर देखो, जी के बारे में बात की गई है, जी हमारा एन के लेफ्ट में जाएगा, तो एन के लेफ्ट में कहीं पर किसी प्लेस पर जी होगा। ठीक है, और एन की बात की गई है कि एन हमारा एल के लेफ्ट में कहीं पर होगा, तो एल के लेफ्ट में कहीं पर हमारा एन होगा। ठीक है, चलिए, अब देखो, एन के लेफ्ट में जी को भी जाना है और एन के इमीडिएट लेफ्ट में आई भी होगा।
अब एक लास्ट कंडीशन बची है तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। बोला गया है के एंड एल फेस द सेम डायरेक्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्शन इन विच एम फेसेस, यानी कि के और एल सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, सेम होंगे, ठीक है, लेकिन ये दोनों हमारे एम के डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ पर हम और नोट डाउन कर देते हैं, सेम बट डिफरेंट फ्रॉम एम, ठीक है, ये हमारी इतनी लंबी कंडीशन यहाँ पर हो गई है। के और एल सेम डायरेक्शन होंगे लेकिन एम से डिफरेंट होंगे। तो देखो यहाँ पर भी हम इसको के और एम की बात थी तो इसमें भी ऐड कर देते हैं कि ये दोनों हमारे भाई साहब डिफरेंट डायरेक्शन में ही जाएंगे, ठीक है। चलिए सारी कंडीशन हमारी नोट डाउन हो चुकी है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना था। क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने से हटा लेता हूँ, हमें क्वेश्चन की अब जरूरत नहीं है। चलिए अब पूरे पेज को हम लोग इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से सारी चीज़ें दिख रही होंगी दोस्तों। चलिए तो देखिए हमें क्या पता था, हमने यहाँ पर नोट डाउन किया था कि एन या आई में से कोई एक तो एंड पर आएगा, जहाँ पर एन के इमीडिएट लेफ्ट में आई होगा, साथ ही साथ एन के लेफ्ट में जी भी होगा। मतलब एन के लेफ्ट में दो लोगों को हमें लेना है, एक तो आई हमारा इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा और किसी भी जगह पर एन के लेफ्ट में जी को भी लेना है, ठीक है। तो आई हमारा एंड पर आ सकता है क्या, इस चीज़ को हम लोग एक बार चेक करते हैं। अगर देखो आई को हम लोग एंड पर लेंगे, मतलब किसी भी एंड की बात कर लो, दोनों ही एंड में से किसी भी एंड पर सेम कंडीशन ही बनेगी। अगर आई को हम लोग एंड पर लेते हैं तो एन को हमें ठीक यहाँ पर लेना पड़ेगा, और एन के इमीडिएट लेफ्ट में आई गया है तो एन के इमीडिएट लेफ्ट में आई जाएगा, तो फिर हमें एन के लेफ्ट में जी को भी लेना है। तो देखो एन को हमने यहाँ पर लिया, उसके लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेस है, यहाँ तो सिर्फ आई ही आएगा, तो जी के लिए तो प्लेस ही नहीं बचती है, मतलब जी को हम नहीं रख पाएंगे। यहाँ से हम कन्फर्म होते हैं कि आई हमारा किसी भी जगह पर एंड पर नहीं होगा। चलो यहाँ भी चेक करके दिखाई देता हूँ, अगर आई को आप यहाँ पर लोगे तो एन को हमें यहाँ पर लेना होगा, तो एन के लेफ्ट में आई गया है और हमें एन के लेफ्ट में जी को भी लेना है, तो यहाँ पर आप देख लो जी के लिए फिर प्लेस ही नहीं बचती है, मतलब कन्फर्म है हमारा एन ही एंड पर आएगा, आई एंड पर नहीं आ सकता है। तो एन को एंड पर ले लेते हैं, अगर एन को हम लोगों ने यहाँ पर एंड पर लिया, ठीक है, और एन और आई इमीडिएट में होंगे, मतलब आई हमारा इस प्लेस पर आ जाएगा, और एन के लेफ्ट में आई को होना है, तो एन के लेफ्ट में आई तभी होगा जब यहाँ पर हमारा एन साउथ फेस करेगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ भी होगी, एन को हम इस एंड पर लेते हैं, उसके इमीडिएट में आई होगा, और आई एन के लेफ्ट में तभी जाएगा जब एन हमारा नॉर्थ फेस करेगा, ठीक है, हो गया ये चीज़। चलिए अब जी लेफ्ट में ही जाना है, तो लेफ्ट में तो इतने सारे प्लेस हैं, जी कहीं भी आ सकता है, यहाँ भी एन के लेफ्ट में इतने सारे प्लेस हैं, जी कहीं भी आ सकता है, ठीक है। चलिए अब देखो, अब यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चल जाती है, क्या पता चल जाती है, हमें क्या बोला गया था कि दो इमीडिएट पर्सन साउथ फेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एन हमारा साउथ फेस कर रहा है तो आई साउथ फेस नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन हमें फॉलो करनी है, दो लगातार वाले साउथ फेस नहीं करेंगे, तो एन हमारा नॉर्थ फेस करेगा, ठीक है, आई हमारा नॉर्थ फेस करेगा, ठीक। चलिए अब देखो आई के बारे में एक कंडीशन बोली गई थी कि आई और एच हमें सेम डायरेक्शन में लेने हैं, आई हमारा नॉर्थ फेस कर रहा है तो मतलब एच भी इस वाले में नॉर्थ ही फेस करेगा, तो चलो इस वाले के लिए हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करते हैं कि एच हमारा नॉर्थ फेस करेगा, इसमें एच नॉर्थ फेस करेगा, यहाँ पर आई के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि एन हमारा नॉर्थ में है, तो आई नॉर्थ में भी जा सकता है और साउथ में भी जा सकता है, तो यहाँ पर हम एच नॉर्थ या साउथ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है हमें, इसको तो हमने नोट डाउन कर लिया है, इसको काट ही देते हैं पूरा का पूरा। एन के लेफ्ट में जी के लिए बहुत सारी प्लेस है, एल के लेफ्ट में एन को होना है, देखो एल के लेफ्ट में एन को होना है, एल के लेफ्ट में एन, इस वाले में देखो एल हमारा इधर ही कहीं पर आएगा, एन के इसी साइड आएगा, तो एल हमारा इधर कहीं भी आता है तो एन उसके लेफ्ट में तभी होगा जब हम एल को हम यहाँ पर नॉर्थ लेंगे, ठीक है, नॉर्थ फेस कराएंगे तो उसके लेफ्ट में एन आ जाएगा, मतलब इस वाले कंडीशन में एल हमारा नॉर्थ फेस करेगा, ठीक है, और इस वाले कंडीशन में देख लो इसमें हमारा एन यहाँ पर है तो एल इधर ही कहीं आएगा, एल इधर कहीं आएगा तो उसके लेफ्ट में एन तभी होगा जब हमारा एल साउथ फेस करेगा, तो यहाँ पर हमें एल की कंडीशन मिल गई, एल साउथ फेस करेगा, ठीक है। अब देखो एल के बारे में एक चीज़ हमने नोट डाउन करी थी, यहाँ पर लास्ट में एल और के सेम डायरेक्शन में होंगे जो कि एम से डिफरेंट होंगे, तो एल की डायरेक्शन हमें मिल चुकी है तो के भी सेम डायरेक्शन में फेस करेगा, तो यहाँ पर देख लो इस वाले पॉसिबिलिटी में के हमारा साउथ नॉर्थ फेस करेगा और इस वाले पॉसिबिलिटी में के हमारा एल के डायरेक्शन में यानी कि साउथ फेस करेगा। एल और के की डायरेक्शन हमें मिल चुकी है दोनों ही प्लेसेस में अलग अलग, तो एम की भी हमें मिल जाएगी,
एम को हमें एल और के से डिफरेंट लेना है, तो यहाँ पर हमने एल और के को नॉर्थ लेकर रखा है, मतलब एम को हमें यहाँ पर साउथ लेना पड़ेगा। इसमें हम लोगों ने एल और के को साउथ लेकर रखा है, मतलब हमें एम को यहाँ पर नॉर्थ लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, इतनी सारी चीज़ें हमने नोट डाउन कर ली हैं, तो इसे भी हमने दोनों ही जगहों पर नोट डाउन कर ही लिया है। ये एच से एक के गैप पर जे, चलो इसको बाद में देखेंगे। अब देखो हमें यहाँ पर क्या बोला गया था, के राइट में जितने पर्सन होंगे उसमें हम एक माइनस करेंगे, तो उतने ही पर्सन हमें एम के राइट में लेने हैं। और के बारे में यहाँ पर देखो, के हमारा एच के इमीडिएट राइट में जाएगा, ठीक है, एच के इमीडिएट राइट में होगा के, और के राइट में जितने पर्सन होंगे उसमें वन माइनस करेंगे, तो एम के राइट में उतने पर्सन आने चाहिए। चलो इसमें हम पहले ट्राई कर लेते हैं, हमें यहाँ पर एच की भी डायरेक्शन पता है, के की भी पता है, एम की भी पता है, सभी लोगों की डायरेक्शन पता है, ठीक है। तो एच हमारा नॉर्थ फेस कर रहा है, तो एच की सबसे पहली पोजीशन हमारी यहाँ बन रही है, कहीं भी आ सकता है, लेकिन हम यहाँ से ट्राई करते हैं। यहाँ पर अगर आप एच लोगे, नॉर्थ फेस कर रहा है, तो उसके इमीडिएट राइट में के हमारा इस प्लेस पर आ जाएगा। के का कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है, के भी हमारा नॉर्थ ही फेस कर रहा है, तो के राइट इधर होगा। कितने पर्सन आ रहे हैं, एक दो तीन चार पर्सन आ रहे हैं, चार में एक माइनस करेंगे तीन होगा, तो एम के राइट में हमें तीन पर्सन लेने हैं। एम कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है, साउथ, मतलब एम का राइट इधर जाएगा। इधर से हम तीन छोड़ के एम को लेंगे, तो देखो एक दो तीन छोड़ के एम हमारा यहाँ पर आएगा, लेकिन के भी तो हमारा यहाँ पर ही है, के और एम दोनों सेम प्लेस पर आ जाएंगे, मतलब पॉसिबल नहीं है। चलो अब एच हमारा यहाँ पर रखने से नहीं हुआ, एच को हम यहाँ पर रखेंगे तो के हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। के को अगर यहाँ लेंगे तो के राइट में एक दो तीन पर्सन है, यानी एम के राइट में दो पर्सन होने चाहिए, तो एक दो के बाद एम हमारा यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। यानी कि के को अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो एम को हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए और पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। अब अगर एच को यहाँ रखेंगे, के को यहाँ रखेंगे, तो के राइट में दो पर्सन है, तो एम के राइट में एक पर्सन आना चाहिए, तो एक छोड़ के यहाँ पर आई है, एम नहीं आ पाएगा, ठीक है। यानी कि सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है एम और के लिए, कि एम हमारा यहाँ पर आएगा और के हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और एच हमारा यहाँ पर होगा, जो कि फेस करेगा नॉर्थ, के हमारा नॉर्थ फेस करेगा, एच एम हमारा साउथ फेस करेगा, ठीक है। अब देखो एच और जे के बीच में एक पर्सन आना चाहिए, तो एच हमारा यहाँ पर है, तो उससे एक छोड़ के जे यहाँ नहीं आएगा, एक छोड़ के जे के लिए बस एक यही प्लेस बनती है, जे हमारा यहाँ पर आएगा। अब देखो जी के राइट में एक छोड़कर एम को आना है, तो जी के लिए तो यही दोनों में से कोई प्लेस बन रही है, अगर यहाँ पर ही आप जी को ले लो, तो देखो जी से काफ़ी ज़्यादा दूर एम बैठा हुआ है, लेकिन जी और एम के बीच में हमें एक की ही गैप लेनी है, तो वो पॉसिबल यहाँ पर नहीं हो पाएगी, मतलब यहाँ पर हम कन्फर्म हैं कि ये कंडीशन हमारी अब कैंसिल हो गई है। चलिए अब इस कंडीशन पर हम बढ़ते हैं, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, एच और के से स्टार्ट किया था। देखो एच के इमीडिएट राइट में हमें के को लेना है, के की डायरेक्शन हमें पता है साउथ, देखो के की डायरेक्शन हमें साउथ पता है, और एच की डायरेक्शन या तो हम नॉर्थ लेंगे या तो साउथ लेंगे, लेकिन दोनों नेबर में इमीडिएट नेबर आएंगे, ये चीज़ हमें पता है, तो के इमीडिएट नेबर में एच होगा। अगर एच को हम साउथ ले लेंगे, तो देखो एच भी साउथ हो जाएगा और के भी साउथ हो जाएगा, दो इमीडिएट नेबर वाले साउथ हो जाएंगे, तो जो कि पॉसिबल ही नहीं है, मतलब अगर के हमारी यहाँ पर साउथ है, तो एच को हमें नॉर्थ ही लेना पड़ेगा, ये चीज़ तो कन्फर्म है, ठीक है। चलिए तो एच हमारा नॉर्थ हो गया, यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं कि एच को हमने नॉर्थ में रखा है इस वाले कंडीशन में। तो एच के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है, एच हमारा यहाँ से ही आएगा, तो एच के नॉर्थ में है, तो एच के इमीडिएट राइट में के हमारा यहाँ पर आएगा। के कौन सा फेस कर रहा है, साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो के की राइट इधर आएगी, तो के राइट में कितने पर्सन है, एक पर्सन है, मतलब एम के राइट में कोई नहीं होना चाहिए, एम नॉर्थ फेस कर रहा है, एम का राइट इधर जाएगा, तो मतलब कोई नहीं होना चाहिए, एम हमारा एंड पर आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर एन है। अगर के को हम यहाँ पर लेते हैं, तो के राइट में एक दो पर्सन है, ठीक है, तो एम के राइट में एक पर्सन होना चाहिए, तो एक छोड़ के आई है, एम नहीं आ पाएगा। अगर के को हम यहाँ पर लेते हैं, तो के राइट में एक दो तीन पर्सन है, तो एम के राइट में दो पर्सन होने चाहिए, एम के राइट में देख लो यहाँ पर दो छोड़ के एम हमारा इस प्लेस पर आएगा, मतलब के हमारा यहाँ पर, एम हमारा यहाँ पर, ये पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन देखो हमने लास्ट में चेक किया था इसमें कि जी और एम के बीच में एक पर्सन होना चाहिए, एम हमारा अगर यहाँ पर बन रहा है, तो इधर एक छोड़ के एन है, जी नहीं आ पाएगा, इधर एक छोड़ के आएगा, तो जी नहीं आ पाएगा, मतलब के और एम की ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब के को हम यहाँ पर अगर रखेंगे, तो के राइट में एक दो तीन चार पर्सन है, तो एम के राइट में हमें एक माइनस तीन पर्सन लेने हैं, इधर से एक दो तीन छोड़ के यहाँ पर एम आएगा, लेकिन हमने के और एम फिर दोनों ही जगहों पर
दोनों को ही सेम प्लेस पर रख लिया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, कोई एक ही एक इस जगह पर आ सकता है। चलिए अब अगर के को हमने यहाँ पर रखा तो के राइट में 1 2 3 4 5 पर्सन है, मतलब इधर से 4 छोड़कर एम आएगा, 1 2 3 4 छोड़ के एम की हमारी ये प्लेस बन रही है। मतलब के को हम यहाँ पर रख सकते हैं, एम को हम यहाँ पर रख सकते हैं, एम से एक छोड़ के जी को लेना है तो इधर एम से एक छोड़ के जी आ सकता है। ठीक है, चलिए अब अगर के को हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर तो भैया आई है, मतलब बस एक यही पॉसिबिलिटी बनती है के और एम के लिए। तो फटाफट से हम रखते हैं, के को हम यहाँ पर रखेंगे, वो साउथ फेस कर रहा है, साउथ फेस करा दो। एम को हम यहाँ पर रखेंगे, एम हमारा नॉर्थ फेस कर रहा है, नॉर्थ फेस करा दो। अब के हमारा एच के इमीडिएट राइट में होना था, एच को हम यहाँ पर रखेंगे जो कि नॉर्थ ही फेस करेगा, कन्फर्म है। अब H और I को हमें सेम डायरेक्शन में लेना था, H हमारा नॉर्थ है तो I भी हमारा नॉर्थ ही जाएगा, कन्फर्म है। अब देखो M से एक छोड़कर G को आना था, G हमारा इसी प्लेस पर आएगा, कन्फर्म है। G के राइट में M को जाना है, मतलब G हमारा नॉर्थ फेस करेगा तभी उसके राइट में M होगा, ये भी चीज़ हमें पता चल चुकी है। अब देखो H और J के बीच में एक पर्सन होगा और दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शन में फेस करेंगे, H से एक छोड़कर J हमारा यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर ही आएगा। J को हम यहाँ पर लेंगे और दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शन में फेस करने हैं, मतलब एच नॉर्थ में फेस कर रहा है तो जे हमारा साउथ में फेस करेगा। ठीक है, अब बस एक ही प्लेस बच रही है तो किसे हमने नोट डाउन नहीं किया है, देखो यहाँ पर ये पर्सन हमारा छूटा हुआ है, एल के लेफ्ट में एन को आना है, यानी कि यहाँ पर हमारा एल आ जाएगा, एल को हम यहाँ लेंगे। अब देखो एल के लेफ्ट में एन को आना है, एन हमारा यहाँ पर है तो वो एल के लेफ्ट में तभी होगा जब हम एल को साउथ फेस कराएंगे, तो एल के लेफ्ट में एन हो जाता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर इसको भी देख लो, एन के लेफ्ट में जी को आना है तो एन के लेफ्ट में ही जी आया है कहीं पर। तो सारी कंडीशन हमारी यहाँ पर नोट डाउन हो चुकी है दोस्तों, आप देख सकते हो, और ये पजल भी हमारी यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है, ये हमारा आंसर है। यहाँ पर हमें सभी लोगों की पोजीशन भी मिल चुकी है, नॉर्थ साउथ भी सभी लोगों की मिल चुकी है। हम चेक कर लेते हैं कि लगातार दो लोगों की साउथ में तो नहीं है, देखो नॉर्थ, देखो साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ नॉर्थ, मतलब ये वाली कंडीशन भी हमारी फॉलो हो गई। तो देख सकते हो दोस्तों कि ये पजल हमारी अब सॉल्व हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट होती है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपकी कन्फ्यूजन दूर कर सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, अगर पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर हाँ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा तो मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, जिससे कि कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करोगे। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।